सो हाय गाइस, जैसे कि आप लोगों ने मेरा वीडियो का टाइटल देख कर आप लोगों को पता चल गया होगा, आज हम किस वीडियो पर किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं। सो गाइस, आज हम लेने वाले हैं हमारी गाड़ी की डिलीवरी। सो ये हमारे फैमिली फ्रेंड की गाड़ी की डिलीवरी लेने वाले हैं हम लोग, जो कि आप लोगों को पीछे देख कर आप लोगों को पता चल गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम लोगों ने ये गाड़ी क्यों चूज़ की आप लोगों को मैं एंड में बताऊंगा। देखिए, इस रेंज में बहुत से ऑप्शंस थे। सो बेसिकली ये एक एंट्री लेवल हैचबैक है। आप लोगों को मैं आगे जो एंडिंग में वीडियो के एंडिंग में आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों ने ये क्यों चूज़ की। सो आप लोगों को पता चल गया होगा, एक यू नो आई मीन टू से जैसे एक थोड़े लोगों को हिंट पता चल जाती है ना। सो सेफ्टी एक अच्छा रीज़न था और हम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी थी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, ये गाड़ी हम लोगों ने ऑलमोस्ट यू नो 1.5 वीक्स या आप कह सकते हो 10-12 डेज के बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए गोवा में अभी तक बारिश ख़त्म नहीं हुई है। सो इसके वजह से मेरे बहुत से वीडियोस पेंडिंग है। सो मैं ऑलमोस्ट 12-15 डेज के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को मैं किलोमीटर्स भी दिखाऊंगा आप लोगों को अगर झूठ लगा हो तो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो और वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है हमारी टाटा पंच, नई नवेली टाटा पंच, ऐसी कुछ की मिलती है हमें इस गाड़ी में। आप लोगों को दो कीज मिलती है, आप लोगों को इस पर पता चल गया होगा। ये ब्रांड न्यू गाड़ी है, सिर्फ 2 वीक्स या मतलब 2 वीक्स 10 डेज और 15 डेज ही हुए है इस गाड़ी को। यहाँ पर आप लोगों को फ्लिप की मिल जाती है, लॉक, फॉलो मी हेडलैम्प और अनलॉक का बटन। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर फॉलो मी हेडलैम्प बटन प्रेस किया तो हम लोगों को ऐसी कुछ 30 सेकेंड्स के लिए हेडलाइट ऑन होती है और एक रेगुलर की मिलती है हमें, जो कि नॉर्मल आप लोग कह सकते हो नॉर्मल की। सो ये टाटा पंच ट्रॉपिकल मिस्ट कलर है जो कि हम लोगों ने डिलीवरी ली है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक टाटा हैरियर जैसी कुछ मिनी टाटा हैरियर जैसे लुक है इस गाड़ी का फ्रंट से। यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो, यहाँ पर आपको हॉर्न मिल जाता है, यहाँ पर ब्लैक कलर की फ्रंट, यहाँ पर बड़ा सा टाटा का लोगो, यहाँ पर आप लोगों को जो हेडलाइट है उसका जो पार्किंग बल्ब है उसके लिए, यहाँ पर आप लोगों को इंडिकेटर, यहाँ पर जो टॉप मॉडल है उसको डियाल्स आती है। गाइस, ये है हेडलाइट जो कि हाई बीम और लो बीम के साथ। यहाँ पर आपको फॉग लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ पर टोइंग के लिए, और ऐसा कुछ फ्रंट है इस गाड़ी का जो कि एडवेंचर मॉडल है। आप लोगों को अलॉयज नहीं मिलते हैं इसमें, आप लोगों को स्टील रिम्स मिलते हैं विथ ब्लैक कवर्स। यहाँ पर आप लोगों को साइड इंडिकेटर्स विथ मिरर मिल जाते हैं। यहाँ पर जो रेन वाइजर है वो हम लोगों ने आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा वॉक अराउंड दे दूंगा, बाद में आप लोगों को इसके गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दूंगा। ऐसी कुछ रियल लुक है इस गाड़ी की। आप लोगों को यहाँ पर एक एक ही रिवर्स लैम्प मिल जाता है। ये कैमरा जो कि हम लोगों ने आफ्टर मार्केट लगवाया है, आफ्टर मार्केट इन द सेंस एसेसरीज के तौर पर लगाया है जो कि कंपनी में जेन्युइन। यहाँ पर आप लोगों को कैमरा का ये दिख रहा होगा, कैमरा यहाँ पर आप लोगों को इस गाड़ी में सिर्फ 2 सेंसर्स आते हैं बैक में, पंच की बैजिंग जो कि आप लोगों ने अगर पंच टॉप मॉडल देखी होगी तो आप लोगों को यहाँ पर रिवर्स कैमरा मिल जाता है, राइनो की बैजिंग यहाँ पर, यहाँ पर टाटा का वोकल फॉर लोकल, ये देख सकते हो आप, ये टेल लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स। सो टाटा पंच ऐसी कुछ हम लोगों ने गाड़ी ली है। सो गाइस, इस गाड़ी की मैं छोटी सी स्पेसिफिकेशन आप लोगों को दे दूंगा।
सो इस गाड़ी में बेसिकली 1.2 लीटर इंजन आता है जो कि 3 सिलेंडर इंजन है। इस गाड़ी में आपको 82 टू 85 हॉर्स पावर मिलती है और 113 Nm ऑफ टॉर्क। इस गाड़ी में आप लोगों को ऑटो और मैनुअल दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। ये हमारी MT है, मैनुअल ट्रांसमिशन। सो ऐसे जो हम चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में, ऐसा कुछ इंटीरियर में चलता है हमें इस गाड़ी में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये सीट कवर्स हम लोगों ने एक्सेसरी के तौर पर कंपनी को कहकर मंगवाई है, जो कि उन लोगों ने डिलीवरी के टाइम पर फिट करके दी है हमें। ये एडवेंचर मॉडल में हमें ऐसे कुछ 2 ट्वीटर्स और 4 स्पीकर्स मिलते हैं। ये कुछ कंट्रोल्स मिरर के लिए, ऑल 4 पावर विंडोज और ये मिरर के कंट्रोल्स। जैसे कि हम लोग गाड़ी के अंदर चले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर जो इको और सिटी मोड के लिए, यहाँ पर आप लोगों को आइडल स्टार्ट स्टॉप का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये गाड़ी सिर्फ 260 किलोमीटर चली है, क्योंकि जो शोरूम है और जो स्टॉक यार्ड है उनका डिस्टेंस ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स कुछ है। सो हम लोग लाकर 2 बार जा चुके हैं वहाँ पर, क्योंकि ये स्टीरियो के वजह से। तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट 260 किलोमीटर चल चुकी है। ऐसा कुछ इंटीरियर है इस गाड़ी का, ये देख सकते हो आप। ये एक्सेसरी के तौर पर हम लोगों ने ब्रांड न्यू स्क्रीन लगवाई हुई है जो कि एंड्रॉयड है। इस गाड़ी में इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट हमें 29 कुछ पड़ी है, 29,000। मैं आपको इस गाड़ी के कैमरा क्वालिटी भी दिखा दूंगा। ऐसे कुछ कैमरा क्वालिटी मिल जाती है हमें, एडाप्टिव गाइडलाइंस के साथ मिल जाती है हमें कैमरा की क्वालिटी। यहाँ पर एसी वेंट्स, ये जो हैजार्ड लाइट का बटन, यहाँ पर स्टीरियो के कंट्रोल्स, यहाँ पर एसी के लिए कंट्रोल्स, ये आप देख सकते हो। ये है MT मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअल हैंड ब्रेक। यहाँ पर टॉप मॉडल में आप लोगों को चार्जर मिल जाएगा, यहाँ पर थोड़ा कुछ स्पेस। एडवेंचर मॉडल में आप लोगों को यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हेडलाइट के कंट्रोल्स, वाइपर के कंट्रोल्स, यहाँ पर आप लोगों को मिरर भी मिल जाएगा, लाइट, ग्रैब हैंडल। सो ऐसे कुछ इंटीरियर है इस गाड़ी का। मैं आप लोगों को रियर डोर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग वैसे तो जानते हो, अगर जो कोई नहीं जानता है तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी हैंडल या कुछ भी नहीं मिलता है दरवाज़ा ओपन करने के लिए। इस गाड़ी में आपको हिडन दरवाज़ा मिल जाता है, हैंडल दरवाज़ा ओपन करने के लिए, ये देख सकते हो। और ये यहाँ पर भी आप देख सकते हो 90 डिग्री ओपनिंग डोर। ऐसा कुछ स्पेस है इस गाड़ी में सीट बेल्ट के लिए। यहाँ पर आप लोगों को आमरेस्ट नहीं मिलता है इस गाड़ी में, क्योंकि ये एडवेंचर मॉडल है। सीट आउट सीट के लिए जगह, यहाँ पर कुछ स्पेस मिल जाती है, मैटिंग्स इस गाड़ी की। यहाँ पर पार्शल सेल्फ या पार्शल ट्रे। सो ऐसे कुछ इंटीरियर है गाड़ी का। बूट ओपन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बटन मिल जाता है। ये पार्शल ट्रे इस गाड़ी का, जो कि यहाँ पर छूटा हुआ है तो हम लोग बाद में लगवा लेंगे। सो गाइज, ऐसे कुछ डिक्की मिल जाते हैं हमें। इस डिक्की में हमें ऑलमोस्ट 366 लीटर्स की बूट कैरिंग कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ पर गाड़ी की स्टेपनी और जैक और वो सब कुछ टूल्स, यहाँ पर टायर इन्फ्लेटर किट हमें मिल जाता है। यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था, ये कैमरा है इस गाड़ी का।
हम लोगों ने वो कैमरा को यहाँ पर प्लेस करने के लिए कहा था, लेकिन ड्यू टू यहाँ पर होल की वजह से उन लोगों ने कहा कि द बेस्ट यू नो वी कैन डू इज हम लोग यहाँ पर ही प्रेस यू नो कैमरा की प्लेसमेंट कर देते हैं। तो उन लोगों ने यहाँ पर कैमरा यू नो होल मार कर यहाँ पर कैमरा फिट किया है। तो ऐसी कुछ इस गाड़ी के यू नो स्पेसिफिकेशंस है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया है। इस गाड़ी में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आता है जो कि 1.2 लीटर थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो कि 82 टू 85 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 113 Nm ऑफ टॉर्क के साथ। ये एक हैचबैक है जो कि एंट्री लेवल हैचबैक। इसकी कंपटीटर है यू नो आल्टो सिलेरियो, यहाँ तक कि लोग टाइगर मैग्नाइट को भी इस गाड़ी के साथ कंपेयर करते हैं जो कि वो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। सो ऐसा कुछ वीडियो था हमारे इस गाड़ी के रिलेटेड। सो गाइज आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैं आप लोगों को एक्चुअल रीज़न बता देता हूँ इस गाड़ी के बारे में। देखिए सब लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है। हमारे जो दोस्त के जो मेन क्राइटेरियाज जो कि मेन प्रायोरिटीज थी वो सेफ्टी थी, जो कि हम लोगों ने सेफ्टी को पहली प्रायोरिटी रखी थी और उसके वजह से हम लोगों ने ये टाटा पंच ली। सो गाइज इसके कंपटीशन में जो गाड़ी आती थी मैं आप लोगों कह सकता हूँ यू नो मैग्नाइट लोग मैग्नाइट देन काइगर सिलेरियो देन नियोस और आप लोग कह सकते हो और कौन से गाड़ी थे और अल्टो हाल ही में लॉन्च हुई है अल्टो K10 और वो सब कुछ गाड़ी आती थी। सो सेफ्टी के बारे में इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है जो कि एंट्री लेवल में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग जो कि नेक्सॉन से भी यू नो थोड़े कुछ पॉइंट से ऊपर है, XUV 700 के कुछ पॉइंट से थोड़ी नीचे है। वो तो गाड़ी एक बड़ी हो जाती है, वो एक यू नो 27-28 लैक्स की हो जाती है। तो ये गाड़ी तो वो सेफ्टी के मामले में परफॉर्मेंस भी अच्छा है इस गाड़ी का। ड्यू टू वेट की वजह से आप लोग माइट भी इस गाड़ी को कंपेयर करोगे अदर गाड़ियों से कंपटीटर से, उनका वेट कम होगा तो ऑब्वियसली वो गाड़ियाँ परफॉर्मेंस में इससे थोड़े आगे होगी। लेकिन आप लोगों को सेफ्टी चाहिए उनमें तो मैं डेफिनेटली इस गाड़ी को रिकमेंड करूँगा क्योंकि मैंने भी बहुत से यू नो एक्सीडेंट्स देखे हैं इस गाड़ी के बारे में सेफ्टी के बारे में। सो ऐसे कुछ यू नो गाड़ी है टाटा पंच। सो मिलता हूँ आप लोगों को गाइज ऐसे किसी अगले वीडियो में। होप करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे होंगे। डू कमेंट, अगर आप लोगों को अच्छे लगे होंगे तो कमेंट कर दीजिए, नहीं भी अच्छे लगे होंगे तो भी कमेंट कीजिए ताकि फ्यूचर में मैं यू नो और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। सो होप करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते होंगे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते होंगे तो यू नो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और मेरे वीडियोस को लाइक भी कीजिए। सो मिलता है आप लोगों को ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। सो टिल देन थैंक यू सो मच।